हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल फ्लेम बीस्ट। गाइस, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि अमेजोन एसोसिएट के अंदर कैसे आप एंटर कर सकते हो, कैसे एक अकाउंट क्रिएट कर सकते हो और अपना जो एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो वेरी इजीली, और कैसे रेवेन्यू अर्न कर सकते हो। बेसिकली उसके बारे में मैं आप लोग को कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटा रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, चैनल को जल्दी जाकर सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर देना, क्योंकि हम लोग आपके लिए हर दिन एक इंटरेस्टिंग और जेन्युइन कंटेंट लेके आते रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आपको सिंपल आ जाना पड़ेगा amazon.in के अंदर। देखो, बहुत सारे कंट्री के अंदर आप लोग को मिल जाती है एसोसिएटेड प्रोग्राम, बट पर्टिकुलर कंट्री को अगर टारगेट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो वेरी इजी। हम लोग उसके बारे में भी बताएंगे आपको, बट इस वीडियो के अंदर हम लोग इंडिया को टारगेट करेंगे और इंडिया के अंदर हम लोग क्रिएट करेंगे एसोसिएटेड अकाउंट क्रिएट करेंगे। तो इसके लिए आप लोग को जाना पड़ेगा amazon.in के अंदर। तो जैसे ही जाओगे आप लोग को सिंपल नीचे स्क्रॉल करना पड़ेगा। जैसे ही नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आप लोग को देखने को मिल जाती है यहाँ पे बिकम ए एफिलिएट। तो सिंपल बिकम ए एफिलिएट के ऊपर क्लिक करो, तो जैसे ही क्लिक करोगी तो आपके सामने इस तरह की एक पेज ओपन होके आ जाएगी। ओके, तो जैसे ही ये पेज ओपन होके आ जाती है ना, सिंपली यहाँ पे आप लोग को साइन ऑफ की ऑप्शन मिल रहा है, तो उसके ऊपर क्लिक करो। तो जैसे ही क्लिक करोगी तो आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। तो बेसिकली यहाँ पे आप लोग को देखने को मिलेगी ये जो मैं हाइड करी हूँ ना, इसके अंदर मेरी जो कि इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मैंने ऑलरेडी फिल करके रखा हुआ हूँ, जो कि मैंने कुछ ऑर्डर करा था पहले से, वही जो एड्रेस दिया था वो सेम एड्रेस यहाँ पे आप लोगों को देखने को भी मिल जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे आप लोग को कुछ स्टेप फॉलो करना है और उसके बाद आप लोग की जो अकाउंट है वो एक्टिवेट हो जाएगी, क्रिएट हो जाएगी। बेसिकली यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा हु इज़ द मेन कॉन्टैक्ट फॉर दिस अकाउंट। तो सिंपल आपकी जो भी मेन कॉन्टैक्ट होगा, यहाँ पे मेरे पास एक है, अगर 2 3 4 5 यहाँ पे आप लोग का पास होगी कॉन्टैक्ट ना, तो यहाँ पे या इन्फॉर्मेशन वगैरह जो कि आप लोग का लोकेशन वगैरह की जो इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पे डाली होगी ना, अगर वो इन्फॉर्मेशन आप लोगों ने यहाँ पे डाली है 4 5 बार, तो यहाँ पे एड्रेस को यहाँ पे सिलेक्ट करो जो एड्रेस आप लोगों की सुइटेबल होगी। उसके बाद फॉर US टैक्स परपज आर यू एन US पर्सन, अगर आप एक US पर्सन हो तो आप येस कर सकते हो, बट हम लोग की केस के अंदर हम लोग US पर्सन नहीं है तो सिंपल हम लोग नो करते हैं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट करो। जैसे ही नेक्स्ट करोगे ना तो आपके सामने और एक पेज ओपन होके आ जाएगी, जो दूसरी स्टेप यहाँ पे आप लोग को देखने को मिलेगी। सिंपल यहाँ पे एंटर योर वेबसाइट, यहाँ पे आप लोग की एक वेबसाइट यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा। सिंपल आपकी एक वेबसाइट होना चाहिए, हम लोगों ने ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं जो कि ब्लॉगर के अंदर हम लोग एक एफिलेटेड वेबसाइट क्रिएट करी हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये ब्लॉगर के अंदर ये एफिलेटेड वेबसाइट है, जिसके अंदर हम लोग अच्छी तरह से कस्टमाइज करी है। इसका कंप्लीट वीडियो आप लोगों को आई बटन पर भी मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक मिल जाएगी, आप इजीली जाके कर सकते हो। और अगर आप वर्डप्रेस के अंदर भी साइट क्रिएट करना चाहते हो, एक ई कॉमर्स साइट क्रिएट करना चाहते हो या ई कॉमर्स साइट क्रिएट करना चाहते हो, तो उसके बारे में भी हम लोगों ने कम्प्लीटली वीडियो आप लोगों को दे रखी है, तो जाके वो वीडियो को भी आप चेकआउट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन के अंदर उसकी भी लिंक होगी, जाके चेकआउट कर सकते हो। बेसिकली इस तरह की एक साइट बनाने के बाद ना, आप लोग को आपकी साइट की लिंक यहाँ पे कॉपी करना पड़ेगा। तो जैसे ही कॉपी करोगे तो यहाँ पे आप लोग को क्या करना पड़ेगा, आपकी जो वेबसाइट लिंक है ना यहाँ पे आप लोग को पेस्ट करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे ऐड की ऑप्शन देखने को मिलेगी, सिंपल उसके अंदर ऊपर क्लिक करो। तो जैसे ही करोगे देखो यहाँ पे आप लोग को और भी एक चीज़ देखने को मिलेगी, जैसे कि एंटर योर मोबाइल ऐप URL। अगर आपके पास एक मोबाइल ऐप भी है ना, तो आप उसका भी लिंक इधर आप डाल सकते हो बेसिकली, बट हमारे पास नहीं है तो हम लोग हमारी जो वेबसाइट की लिंक यहाँ पे पेस्ट करिए। तो सिंपल उसके बाद नेक्स्ट करो और यहाँ पे आप लोग को जो कि डिटेल्स यहाँ पे आप लोग को फिल करना पड़ेगा। तो मैं फटाफट डिटेल्स को फिल करता हूँ आपको। व्हाट इज़ योर प्रिफर्ड एसोसिएट स्टोर आईडी, देखो यहाँ पे मैं स्टोर आईडी यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ और ये रहा हमारा जो वेबसाइट लिस्ट। तो देखो यहाँ पे हम लोग ऑलरेडी 2 स्टेप कंप्लीट कर चुके हैं और ये तीसरा स्टेप है जो कि प्रोफाइल। इस प्रोफाइल के अंदर आप लोगों को सारी सारी इन्फॉर्मेशन फिल करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप लोग कुछ स्टेप यहाँ पे देखो, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे फिल करी है व्हाट इज़ योर प्रिफर्ड एसोसिएट स्टोर आईडी, आपकी मतलब एसोसिएट स्टोर आईडी जो भी आप रखना चाहते हो सिंपल यहाँ पे आप ऐड करो। उसके बाद यहाँ पे आपकी वेबसाइट की लिंक यहाँ पे ऐड करो
और व्हाट आर योर वेबसाइट और मोबाइल ऐप अबाउट, आपकी वेबसाइट और मोबाइल ऐप किसके बारे में है, उसके बारे में आप लोग को कुछ डिटेल्स फिल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मेरी जो वेबसाइट के मुताबिक मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐड करी हुई है, तो आप लोग सिंपल उस तरह की चीज़ें ऐड कर सकते हो बेसिकली। और उसके बाद यहाँ पे आप लोग आपकी साइट कौन सी टॉपिक के अंदर जाती है, सिंपल मैं यहाँ पे दो चीज़ ऐड करी हूँ जो कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजी, और अदर यहाँ पे दो मेन चीज़ें यहाँ पे ऐड करी हूँ। और यहाँ पे अगर और भी टॉपिक ऐड करना चाहते हो तो बेसिकली ऐड कर सकते हो। और यहाँ पे तीसरी चीज़ ये आती है आपके सामने जो कि आपकी कौन सी टाइप की प्रोडक्ट को आपकी वेबसाइट के अंदर आप ऐड करना चाहोगे, तो आप सिंपल सभी चीज़ को यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे सबको यहाँ पे ठीक कर रहा हूँ। और उसके बाद यहाँ पे आपकी जो वेबसाइट कौन सी टाइप है यहाँ पे आप बेसिकली उसे ऐड कर सकते हो। सिंपली यहाँ पे आप लोगों को क्लिक करना है, जैसे कि आप ब्लॉग सिलेक्ट कर सकते हो, उसके बाद वेब पोर्टल, ये दो चीज़ को आप बेसिकली ऐड कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे जो ट्रैफिक और मोनेटाइजेशन, हाउ डू यू ड्राइव ट्रैफिक टू योर वेबसाइट, आप कहाँ से ट्रैफिक ड्राइव करते हो आपकी वेबसाइट के अंदर, सिंपल यहाँ पे आप लोग रख सकते हो ब्लॉग, SEO और सोशल नेटवर्क। इस तरह की कुछ चीज़ें यहाँ पे आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, सिंपल ऐड कर देना पड़ेगा। जो भी जहाँ से भी आपकी जो ट्रैफिक आप लाते हो ना, आप सिंपल यहाँ पे क्लिक करो बस, और कुछ नहीं। तो यहाँ पे आप लोग को देखने को मिलेगी ये ऑप्शन जो, हाउ डू यू यूटिलाइज योर वेबसाइट आप टू जनरेट इनकम। तो सिंपल यहाँ पे आप लोग जो भी सोर्स होगी आपकी, सिंपल यहाँ पे सिलेक्ट करो। हम लोग यहाँ पे सिंपल सिलेक्ट करते हैं अमेजोन एसोसिएट इज़ द ओनली मोनेटाइज वी हैव टू यूज़। और सेकंड चीज़ यहाँ पे आप डाल सकते हो जो कि अगर आपकी साइट गूगल एडवर्टाइज के अंदर मोनेटाइज है, तो यहाँ पे आप ऐड सिंपल कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आप लोग को सिलेक्ट करना पड़ेगा हाउ टू यूजुअल बिल्ड लिंक। तो सिंपल यहाँ पे आप लोग ब्लॉग एडिटर कर सकते हो, और जो भी अगर आपकी आती है अंडर आती है तो यहाँ पे आप लोग सिलेक्ट कर सकते हो बेसिकली। हाउ मेनी टोटल यूनिक विजिटर, यहाँ पे आप लोग की जो यूनिक विजिटर कितनी है, तो अगर आपकी जो नया साइट होगा तो सिंपल आपकी 500 विजिटर से कम ही होगा। अगर आपकी पुराना साइट है, तो आप लोग की जितने भी ट्रैफिक आती है तो उसके मुताबिक यहाँ पे आप लोग सिलेक्ट करो। व्हिच इज़ योर प्राइमरी रीजन फॉर ज्वाइन अमेजन एसोसिएट टू मोनिटाइज माई साइट, हाउ डू यू हेयर अबाउट अस, आप कैसे ये जो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिली है फ्रॉम द अमेजन साइट या ब्लॉग पोस्ट या वर्ड ऑफ माउथ या ऑनलाइन सर्च। सिंपल हम लोगों ने ऑनलाइन सर्च ऐड कर सकते हैं, जो कि हम लोग ऑनलाइन गूगल के अंदर सर्च कर रहे थे तो हम लोग को आपकी प्रोग्राम के बारे में पता चला, तो हम लोगों ने यहाँ पे आके साइन अप करी है। तो इस तरह की चीज़ें आप सिंपल ऐड कर सकते हो। और यहाँ पे आप लोग का जो रहेगा कैप्चर रहेगा, यहाँ पे सिंपल आप ऐड करो, और उसके बाद यू एग्री टू टर्म एंड कंडीशन के ऊपर क्लिक करो, और उसके बाद फिनिश के ऊपर सिंपल क्लिक करो। तो देखो, देख सकते हो यहाँ पे आप लोग की जो आईडी यहाँ पे बन के आ चुकी है, और उसके बाद यहाँ पे कंग्रेस और थैंक यू फॉर योर अप्लाइंग टू अमेजन एसोसिएट प्रोग्राम, योर एसोसिएट आईडी इज हियर। हमारा जो प्रोसेस है ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है। और यहाँ पे आप लोग को कुछ चीज़ें यहाँ पे आप लोग को देखने को मिलेगी, जो कि है आप लोग को 180 डेज के अंदर 3 प्रोडक्ट आपको सेल करना पड़ेगा। जैसे ही सेल करोगे तो आपकी आईडी वेरीफाइड हो जाएगी, ये टेम्पररी आप लोग को मिली है। तो बेसिकली अगर आप 180 डे के अंदर आप लोग 3 प्रोडक्ट को अगर सेल करते हो ना, तो आपकी आईडी वेरीफाइड हो जाएगी, आपको एक की मिल जाएगी, API की आप लोग को मिल जाएगी। तो उसके बाद यहाँ पे एंटर योर पेमेंट एंड टैक्स इन्फॉर्मेशन अगर आप ऐड करना चाहो तो ऐड कर सकते हो सिंपल, बट यहाँ पे लेटर के ऑप्शन दिख रहा है, आपको सिंपल लेटर के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करो, और उसके बाद आपकी जो साइट क्रिएट होके आ जाएगी। तो आपको सिंपल इस तरह की डैशबोर्ड मिल जाएगी। अभी आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे देखो प्रोडक्ट लिंक, बैनर लिंक अप टू एनी पेज, इस तरह की सारी ऑप्शन यहाँ पे देखने को आपको मिल जाएगी। अभी देखो अगर हम लोग जाते हैं अमेजन डॉट इन के अंदर, पहले क्या होता था हमारी अमेजन डॉट इन के अंदर ना, कुछ ऊपर की जो स्ट्रीप ये जो है होती है ना, साइट स्ट्रिप नहीं होती थी, बट अभी के लिए ऑलरेडी यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगी, क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी एक अमेजन एसोसिएट साइट के अंदर, अमेजन एसोसिएट प्रोग्राम के अंदर हम लोग एंटर कर चुके हैं। तो अभी क्या करना पड़ेगा, अगर आप
कोई भी प्रोडक्ट को प्रमोट करना चाहोगे तो सिंपल, अगर ये प्रोडक्ट हम लोग प्रमोट करते हैं ना, तो सिंपल उसके ऊपर क्लिक करो, जो प्रोडक्ट आप प्रमोट करना चाहते हो, जो प्रोडक्ट आपको सेल करना है उसी प्रोडक्ट के ऊपर आप क्लिक करो। तो जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप लोगों को गेट स्टेट लिंक के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा, टेक्स्ट के ऊपर। जैसे क्लिक करोगे तो आपके सामने ये जो लिंक आ जाएगा ना, इसी लिंक को यहाँ पे जो आप लोगों ने क्रिएट करी होगी, जो साइट वेबसाइट क्रिएट करी होगी ना, तो सिंपल मैं आपको करके दिखा देता हूँ। आप लोग को ये जो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आप लोग को दी थी कि कैसे आप लोग उसके अंदर एक वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो बेसिकली, तो इस तरह की चीज़ें करना बहुत इजी होती है। तो आप लोग वो वीडियो को कम्प्लीटली वॉच करो, आप लोगों को सारी की सारी इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगी। तो मैंने यहाँ पे ऐड करा, और यहाँ पे हम लोगों ने एक सॉफ्ट नाउ और ऑन अमेजन की एक यहाँ पे ऐड करी है बटन, तो उसके ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे आप लोग को लिंक के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा, और उसके बाद यहाँ पे आप लोग को गेट लिंक के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। जैसे जैसे गेट लिंक के ऊपर क्लिक करोगे, इस लिंक को कॉपी करो, कॉपी करने के बाद यहाँ पे लाके आपको पेस्ट करना पड़ेगा। जैसे ही पेस्ट करोगे यहाँ पे अप्लाई के ऊपर क्लिक करोगे, और उसके बाद यहाँ पे अपडेट, देखो अगर आप पोस्ट क्रिएट कर रहे हो ना नया पोस्ट, तो आपको पब्लिश करना पड़ेगा। मैं ऑलरेडी क्रिएट कर रहा था और आप लोग को दिखाने के लिए ये ऐड करा, तो सिंपल ये हो चुकी है। अभी के लिए अगर मैं उसे रिफ्रेश करता हूँ ना, अभी हम लोग हमारे जो साइट के अंदर चलेंगे, देखिए जो कि ये जो प्रोडक्ट था ना उसके ऊपर मैंने क्लिक करा, ये ब्लॉगर के अंदर बनाई गई है साइट, उसके अंदर मैंने क्लिक करा। यहाँ पे देखो नीचे शॉप नाउ और अमेजन ऑप्शन देखने को मिलेगी, सिंपल उसके ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूँ ना, तो ये रिडायरेक्ट कर लेगा कहाँ पे, इस प्रोडक्ट के अंदर, जो कि ये जो प्रोडक्ट था सेम ही प्रोडक्ट यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इस तरह से आप लोग क्रिएट कर सकते हो, आप लोग की लिंक को आपकी साइट के अंदर ऐड कर सकते हो, इस तरह की आर्टिकल वगैरह आप लोग मतलब लिख सकते हो, जो कि बहुत इजी है। तो आई होप आप लोग को सारी की सारी इन्फॉर्मेशन पता चल गया होगा, कैसे आप लोग अकाउंट क्रिएट कर सकते हो, कैसे आप लोग प्रोडक्ट की लिंक को लेकर यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो आप लोग को और भी कुछ क्वेरी है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करो, मैं आप लोग की सारी की सारी क्वेरी को सॉल्व करने जाऊँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।